आज हम पढ़ेंगे कक्षा नौ हिंदी कोर्स बी की पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन से उठे जिसके लेखक हैं मधुकर उपाध्याय कहानी आजादी के लिए प्रयत्नशील भारत की महत्वपूर्ण घटना पर आधारित है जब वल्लभ भाई पटेल के आह्वान पर पूरा भारत दांडी कूच के लिए तैयार था इस कूच को असफल बनाने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने उन्हें तीन महीने के कारावास में डाल दिया था गांधी जी को वल्लभ भाई पटेल की इस तरह से हुई गिरफ्तारी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने स्वयं इस यात्रा का नेतृत्व किया यह यात्रा साबरमती से आरंभ हुई गांधी जी बोरसत से होते हुए रास गए वहां उन्होंने जनता का आह्वान किया वहां से वह कनकापुरा पहुंचे इस दांडी कूच का उद्देश्य था लोगों के अंदर आज़ादी के लिए जोश पैदा करना सत्याग्रह के लिए जनता को तैयार करना व ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वराज्य की मांग करना कनकापुरा से नदी आधी रात में पार करनी थी लेकिन आधी रात में अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तभी गांधी जी व आजादी के अन्य सिपाहियों का उत्साह बढ़ाने के लिए नदी के तट पर दोनों ओर हजारों दिए जल उठे हजारों लोग हाथों में दिए लेकर खड़े हो गए ताकि लोगों को नदी पार करने में कोई परेशानी ना हो यह कहानी उस एकता का साक्ष्य है जो आजादी के समय में थी लोगों का एक ही उद्देश्य था भारत को गुलामी के बंधन से मुक्त करवाना और अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ना रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल सात मार्च को रास पहुंचे थे उन्हें वहां भाषण नहीं देना था लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर दो शब्द कहना स्वीकार कर लिया उन्होंने कहा भाइयों और बहनों क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलडी के आदेश पर हुई जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था तात्पर्य यह है कि दांडी कोच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल सात मार्च को रास पहुंचे वहाँ उन्होंने लोगों से सत्याग्रह के लिए तैयार होने के लिए आग्रह किया उनके इस कार्य को शासन के विरुद्ध माना गया और यही कारण था कि कलेक्टर के कहने पर पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया वल्लभ भाई पटेल को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दी आठ लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे डेढ़ घंटा लगा पटेल को पाँच सौ रुपये के साथ तीन महीने की जेल हुई इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई गांधी जी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां किसी हाल में नहीं रुकेगी लेकिन मोटर रुकी लगता है पटेल का रोब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले एक संक्षिप्त मुलाकात पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों और गांधी से कहा मैं चलता हूं अब आपकी बारी है पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्सना की गई प्रस्ताव पारित नहीं हो सका इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है भारत सरकार एक ऐसी नज़ीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे गांधी के रास पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी अब्बास तैयब जी वहाँ पहुँच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सकें बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया कुछ दरबार रास में रहते हैं पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे गांव देवण में है दरबार लोग रियासतदार होते थे उनकी साहबी थी ऐशोराम की जिंदगी थी एक तरह का राजपाट था दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए गांधी ने कहा इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे उन्होंने संदेश भिजवाया जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है तुमको पूरी एक रात जागरण करना पड़ेगा अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता मैं उस समय जहाँ भी रहूंगा संदेशवाहक तुमको वहां तक ले आएगा इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो तुमको रात के लगभग दो बजे जाने परखे मछुआरों के कंधों पर बैठकर कर एक धारा पार करनी पड़ेगी मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विलंब नहीं दे सकता वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी गांधी के जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ोदा रियासत से गुजरना पड़ा ऐसा ना करने पर यात्रा करीब बीस किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके रास की आबादी करीब तीन हजार थी लेकिन उनकी जनसभा में बीस हजार से ज्यादा लोग थे अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है उन्होंने सरकारी नौकरियों के इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए उन्होंने कहा आप लोग कब तक गाँव को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं हैं गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा अब फिर बादल आए हैं या कहो सही मौका सामने है अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह है एक अच्छी बात है मुझे तीन माह की सजा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी राजद्रोही को तो काला पानी देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है बुद्ध जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए सत्याग्रही शाम छह बजे रात से चले और आठ बजे कनकापुरा पहुंचे उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि माही नदी कब और कैसे पार करेंगे नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा महात्मा जी स्वराज लेकर जल्दी वापस आना गांधी ने कहा मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था लेकिन कनकापुरा पहुंचने में हुई देरी के कारण उसे एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया जनसभा में गांधी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया उन्होंने कहा तैयार है। है राक्षसी राज है इसका संहार करना चाहिए रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से कर लें गांधी ने इससे साफ इनकार कर दिया उनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता यह पुरानी रीति है धर्म यात्रा में हवाई जहाज मोटर या बैलगाड़ी गाड़ी में बैठ जाने वाली को लाभ नहीं मिलता यात्रा में कष्ट सही लोगों का सुख दुख समझें तभी सच्ची यात्रा होती है नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े रात साढ़े दस बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले अंधेरी रात में गांधी को करीब चार किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी पर उन्होंने मना कर दिया कहा यह धर्म यात्रा है चल कर पूरी करूँगा तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए और एक झोंपड़ी में आराम किया आधी रात का इंतजार करते हुए मही के तट पर उस घुप अंधेरी रात में भी मेला जैसा लगा हुआ था भजन मंडलियाँ थीं दांडिया रास में निपुण दरबार थे उनके गीत के बोल थे देखो गांधी का दांडिया रास देखो वल्लभ का दांडिया रास दांडिया रास सरकार का नास देखो विट्ठल का दांडिया रास देखो भगवान का दांडिया रास गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कनकापुरा पहुंच गए बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रही ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया उनके पास बदलपुर में काफ़ी ज़मीनें थीं और नावें भी चलती थीं जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे छोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी के तट पर पहुंच गए उन सब के हाथों में दिए थे यही नज़ारा नदी के दूसरी ओर भी था पूरा गांव और आसपास के आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे रात बारह बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया पानी चढ़ा आया था गांधी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे महात्मा गांधी की जय सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच नाव रवाना हुई जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे कुछ ही देर में नारों की आवाज नदी के दूसरे तट से भी आने लगी ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो जहां प्रतिध्वनि सुनाई दे मही सागर के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था डेढ़ किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चल कर गांधी रात एक बजे उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले ही तैयार कर दी गई थी गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी मेरी इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मधु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें